कर्नाटक चुनाव की बात अगर करें तो जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जो ऐसी सीटें जिनके ऊपर दिग्गज उम्मीदवार यानी कि जो बड़े सियासी चेहरे हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं और उनके बीच में टक्कर है, वो सीटें हम आपको अब बताने जा रहे हैं। आज कर्नाटक में चुनाव जारी है, मतदान जारी है, कर्नाटक की जनता अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए वोट दे रही है। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर कड़ी टक्कर दिग्गज चेहरों के बीच में आपको देखने को इस बार मिलेगी। तो सबसे पहले जो सीट सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल मानी जा रही है इस बार के चुनाव में, वो सीट है शिगगांव की सीट। यहाँ पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और यासिर पठान के बीच में मुकाबला है। शिगगांव की जो सीट है उसे सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री वहाँ से जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और इसके अलावा उनके खिलाफ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो यासिर अहमद खान पठान हैं, और जेडीएस ने इस सीट से शशिधर चन्न बसप्पा यलीगर इनको जो है वो उतारा है और ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बोम्मई के लगातार तीन बार से यहाँ से बीजेपी के टिकट पर बोम्मई जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस और जेडीएस से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की जो स्थिति है वो वहाँ पर बन रही है। इसके अलावा जो दूसरी वीआईपी सीट है वो कनकपुरा की विधानसभा सीट है, जहाँ से जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, और यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार वो मैदान में उतरे हुए हैं, और उनके खिलाफ बीजेपी से आर अशोक और जेडीएस से बी नागराजू अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कनकपुरा की विधानसभा सीट से शिवकुमार लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ अपने बड़े नेता आर अशोक को उतारकर सियासी चक्रव्यूह रच दिया है, क्योंकि आर अशोक भी वहां पर कर्नाटक में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और डी के शिवकुमार के खिलाफ उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो बड़ी ही दिलचस्प टक्कर वहां पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है कर्नाटक में इस बार, वो है वरुणा की विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वो मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी से दिग्गज नेता वी सोमन्ना और जेडीएस से भारती शंकर जो हैं उन्होंने ताल ठोकी हुई है। सिद्धारमैया के बेटे यतिंद्र एस ने भी पिछले चुनाव में जीत का परचम फहराया था। वरुणा की विधानसभा सीट है ये। इसके अलावा चितापुर की जो विधानसभा सीट है वो भी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे, जिन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी एक आपत्तिजनक बयान दिया था, वो खड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा बीजेपी ने यहां से मणिकांता राठौड़ को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा जो विधानसभा सीट जो और हाई प्रोफाइल है वो है हुबली धारवाड़ सेंट्रल की, जहाँ से जो है कांग्रेस का दामन थाम कर चुनावी मैदान में उतरने वाले लिंगायत नेता जगदीश शेट्टर वो चुनावी मैदान में है। जगदीश शेट्टर यहां से खड़े हुए हैं हुबली धारवाड़ सेंट्रल से, और बीजेपी से महेश तेंगिनाकाई जो हैं वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो शेट्टर के लगातार इस सीट से जीत दर्ज करते आ रहे हैं शेट्टर, और बीजेपी में येदियुरप्पा के बाद दूसरे नंबर के वो लिंगायत नेता माने जाते हैं, लेकिन उनके पाला बदलने से इस सीट का सारा समीकरण बदल गया है। यानी कि जो शेट्टर जो हैं वो बड़े लिंगायत नेता माने जाते हैं, कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी अभी इस बार के ही चुनाव में बीजेपी को छोड़ करके, और इस बार जो है इसी वजह से बताया जा रहा है कि हुबली धारवाड़ की जो सीट है वहाँ पर कुछ समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि वहाँ के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टर माने जाते हैं। इसके अलावा चन्ना पटना की जो सीट है वहाँ से एच डी कुमार स्वामी पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस का चेहरा है, वो वहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ बीजेपी से सीपी योगेश्वर और कांग्रेस से गंगाधर एस जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। ये जो सीट है मैं आपको बता दूं चन्ना पटना की, ये जेडीएस का गढ़ मानी जाती है, जेडीएस यहाँ पर हमेशा मजबूत स्थिति में रही है, और कुमार स्वामी खुद इस सीट से लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की हुई है। तो ये एक सीट थी। इसके अलावा शिकारीपुरा की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर भी सबकी नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा की वो विधानसभा सीट रह चुकी है, जहाँ से इस बार येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। विजेंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने जेबी मलातेश को उतारा है। इसके अलावा येदियुरप्पा जो हैं वो इस सीट से लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं, इसी वजह से ये सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बी एस येदियुरप्पा
एक वक्त में इकलौता चेहरा हुआ करते थे बीजेपी का। अब हालांकि बीजेपी येदियुरप्पा से आगे का भी सोच रही है, लेकिन लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उस लिहाज से ये सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बार उनके बेटे जो हैं वो वहाँ पर उतरे हुए हैं, तो वो उनकी विरासत संभाल पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो और वीआईपी सीट है वो अथणी की है, जहाँ से अथणी विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले वो बीजेपी में थे, इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। सावदी के खिलाफ जो है वो बीजेपी से महेश कुमाथल्ली और जेडीएस ने शशिकांत पदसालगी को उतारा हुआ है, तो ये वहाँ पर उम्मीदवार हैं। लेकिन उन्होंने कुमाथल्ली जो है वो पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था, और इस तरह से पिछला चुनाव लड़ चुके दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी कि पहले ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो पहले बीजेपी में रहे या पहले कांग्रेस में रहे, और इस बार वो बीजेपी की तरफ से कोई चुनाव लड़ रहा है टिकट से, या फिर कोई कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे में जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो ये सारी वो विधानसभा सीटें थीं जिन पर इस बार सभी की नज़रें लगी हुई हैं। देश भर के जो लोग हैं वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन बनता है, और ये जानने के लिए जो ये सीटें मैंने अभी आपको बताई इनके नतीजे बहुत अहमियत रखते हैं कि आखिर इन सीटों पर कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। हालांकि वहां पर सीधी टक्कर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहती है, लेकिन जेडीएस भी कहीं ना कहीं वहां पर एक क्षेत्रीय दल के तौर पर मजबूत पार्टी जरूर मानी जाती है। तो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला कर्नाटक में इस बार देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो कर्नाटक चुनाव से जुड़ी और भी अपडेट्स हम आप तक अभी लगातार पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।